हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज व्रत के लिए कुछ नया बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है जिसमें एक कप गेहूँ का आटा, और उसी कप से एक कप मैदा, दोनों को मिक्स करूँगी। आप सिर्फ आटा से भी बना सकते हैं। इसमें आधा कप मैंने सूजी लिया है, चम्मच से चार बड़ी चम्मच। इस सबको हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। इसमें हम कोई भी नमक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें एक कप मैंने चीनी डाल रही हूँ। पहले थोड़ा सा दे के देख रही हूँ, ज़्यादा मीठा हमें नहीं करना है। एक कप लग गया है, आप अपने हिसाब से दीजिएगा। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी हमें इसमें मिलाना है, नहीं तो एक बार में ज़्यादा पानी देंगे तो गुठलियाँ बन जाएगा। इसको अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। थोड़ा मैंने ज़्यादा ही पानी दिया है क्योंकि सूजी इसमें डाला है, सूजी थोड़ा पानी एब्जॉर्ब करेगा। इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट पे ढक के रख देती हूँ। चलिए तब तक मैं आलू का भजिया कैसे बनाते हैं उसे देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 3 आलू लिया है जिसका छिलका मैंने पहले से उतार के रखा है, और इसे ग्रेटर से, पतला नहीं थोड़ा सा मोटा से इसे ग्रेट करूँगी। ग्रेट करते हैं दोनों ऊपर नीचे करके, ऐसे हमें नहीं करना है, सिर्फ एक बार ऊपर से नीचे तक लाना है। देखिए इतना पतला हो रहा है, इसी तरह से हमें सबको कर लेना है। देखिए यहाँ पे एक आलू को मैंने कर दिया है, और एक गमली में थोड़ा सा पानी मैंने ले लिया है, उसको इसमें रख देती हूँ। अगर पानी में रहेंगे तो काला पड़ जाएगा, इसीलिए करते करते ही पानी में डालना पड़ेगा। मैंने सबको कर लिया है अच्छी तरह से। इसे 3-4 पानी से अच्छी तरह से धो लेना है, जब तक एकदम सादा पानी नहीं निकले। मैंने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। चलिए यहाँ पे मैंने एक सूती का कपड़ा लिया है जिस पे इसे अच्छी तरह से फैला देती हूँ, जिससे इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। आप इसे आधा घंटा के लिए फैन के नीचे भी रख सकते हैं जिससे इसका पानी पूरा सूख जाए। मैं तुरंत बनाऊँगी इसीलिए मैं इसे आधा घंटा के लिए रखूँगी नहीं। इसे सूती कपड़ों में अच्छी तरह से हल्के हाथों से इस तरह से मिला लूँगी जिससे इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। देखिए इस तरह से हमें कर देना है। पानी अच्छी तरह से निकल गया है। चलिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़े से कड़ी पत्ता और 2 लाल मिर्च को मैं पका लेती हूँ अच्छी तरह से। कड़ी पत्ता तो पक गया है, लाल मिर्च थोड़ा कच्चा है, इसीलिए मैं तेल में डाल दूँगी। इसे भी मैंने पका लिया, इसे निकाल लेती हूँ। चलिए यहाँ पे मैंने मूंगफली को आधा कप लिया है, इसे भी इसमें फ्राई कर लेती हूँ। आप यहाँ पे काजू भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ मूंगफली दे रही हूँ। देखिए ये अच्छी तरह से पक गया है, अभी इसे मैं निकाल लेती हूँ।
ये आलू भाजा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इसे एक महीने तक भी स्टोर कर सकते हैं, नमक मत मिलाइएगा। जब खाना हो तब नमक मिला के खाइएगा। ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। देखिए तेल गर्म हो चुका है, इसमें ज़्यादा करके नहीं थोड़ा ही करके दीजिएगा। अच्छी तरह से हमें इसे भून लेना है। मैं यहाँ पे ज़्यादा लाल नहीं कर रही हूँ, आपको अगर ज़्यादा लाल पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे इसे इसी तरह से निकालूँगी। आप कोई भी व्रत में से खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है। इसी तरह हमें सबको बना लिया। यहाँ से 20 मिनट से हो गया है, मेरा आटा रेस्ट पे था। देखिए अच्छी तरह से मिल चुका है, इसमें पानी नहीं मिलाएंगे। पहले थोड़ा ज़्यादा पानी मैंने डाल दिया था जिससे सूजी मेरा अच्छी तरह से फूल गया है। चलिए अब इसे मैं आधा चम्मच इलायची पाउडर दे रही हूँ, इसको भी अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। चलिए अब मीठी परोठा बना लेती हूँ व्रत के लिए। ये कम तेल में बहुत अच्छा से बन जाता है। मैंने हाफ चम्मच यहाँ पे तेल दिया है, इसको बीच में डाल के अच्छी तरह से इसे चम्मच के सहारे से हमें फैला लेना है। जितना पतला आप कर सकते हैं इतना पतला ये हो जाएगा। देखिए इसी तरह से हमें फैला लेना है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और जल्दी भी बन जाता है, इसमें टाइम भी नहीं लगता है। गैस को बहुत धीमी ही रखना है। देखिए आधा मिनट हो चुका है, एक साइड मेरा पक चुका है। चलिए इसे अब पलट देती हूँ। पलटने पे हमें तेल नहीं कुछ नहीं लगाना है, वैसे ही हमें पलट देना है। देखिए बहुत तेल में अच्छा पराठा बन जाता है ना, इसी तरह मैं सबको बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। व्रत में भी इसे खा सकते हैं, वैसे नॉर्मल भी इसे खा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।